बेसिकली तो बंगाल में इसको लूची बोलते हैं, बहुत जगह अलग अलग नाम से भी बोलते हैं। तो हम वो रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट्स के जरिए आप मुझे बता सकते हैं, और नए नए रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए लूची बनाना स्टार्ट करते हैं। लूची बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक चम्मच घी ले रही हूँ। कढ़ाई गर्म है, अभी गैस को मैंने स्लो कर दिया है। तो घी जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे सूजी। तो यहाँ पे जो सूजी है ये छोटी कटोरी से एक कटोरी सूजी है, तो इसको डाल देंगे। सूजी को जो है घी में एक से दो मिनट ही भुनना है। गैस का फ्लेम जो है एकदम स्लो होना चाहिए, इसको ज़्यादा नहीं भुनना है जैसे हलवा के लिए भुनते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा भुनने पे फिर इसका बनेगा नहीं सही से। तो इसको हम जैसे कि रफली बहुत कच्चा सा भुनेंगे, तो एक से दो मिनट इसको हल्का सा बस भून लेते हैं। सूजी को मैंने दो मिनट तक इसको गैस स्लो पे इसको हल्के से चला के और ऐसे भून लिया है। तो अभी इसको बिल्कुल ज़्यादा और नहीं भूनना है, कलर अभी बिल्कुल वाइट ही है। तो इसी में हम डाल देंगे पानी। तो पानी इतना ही डालेंगे कि इसको हमें अच्छे से पकाना है। एक कटोरी सूजी के लिए मैंने आधा कप पानी इस्तेमाल किया है, यहाँ तक था। तो वो पानी इसमें डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे नमक। तो नमक यहाँ पे 1 टीस्पून डाल देते हैं, और इसको चला के हमें थोड़ा सा गैस मीडियम रखेंगे चला के, कि जब तक कि ये एक डो हमें तैयार करना है। तो अच्छे से कहीं पकड़े भी नहीं, चिपके भी नहीं कढ़ाई में, और एक डो तैयार कर लेते हैं इसीलिए चला के। मीडियम गैस पे ही इसको पकाना था। पानी जो है इसका अच्छे से सोख लिया है और ऐसे डो बन के तैयार हुआ है। बहुत ज़्यादा ये ड्राई भी नहीं है, तो अभी यहीं पर गैस को हम ऑफ करेंगे और कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। सूजी जो है थोड़ा सा ठंडा हो गया है, इसको मैंने ऐसे गहरे बर्तन में निकाल दिया है। और यहाँ पे मैं मैदा ले रही हूँ, और बेसिकली मैदे से ही लूची बनता है। तो यहाँ पे मैं पहले दो चम्मच डालूँगी। इसमें मैंने 2 चम्मच मैदा लिया, और इसमें थोड़ा सा ये धनिया है बारीक कटा हुआ। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, इससे थोड़ा सा टेस्ट और फ्लेवर थोड़ा सही हो जाता है, और देखने में भी थोड़ा सा अलग लुक आ रहा है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बहुत शौक से बच्चे खाते हैं, देख के कलरफुल हो जाता है। और चिली फ्लेक्स थोड़ा सा ले लेंगे, हल्का सा स्प्रिंकल कर लेंगे, और यहाँ से मिक्स हर्ब्स जो आता है वो डाल देंगे। इससे क्या है कि बच्चे जो है बहुत अच्छे से जैसे इसको शौक से खा लेते हैं। अब इसको अच्छे से हमें इसका टाइट सा डो तैयार करना है। अगर मैदे की ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा मैदा लेंगे, नहीं तो इसी में इसको हम गूंथ के तैयार कर देते हैं। इसका डो मैंने तैयार कर लिया है, तो इसको अभी थोड़ा सा 5 मिनट के लिए भी हम साइड में रखते हैं। लूची का डो जो है वो पूरा सेट हो गया है। अब इसको बेलेंगे। जो मैंने मैदा दिखाया था, एक कटोरी मैदा लिया था, पहले 2 से 3 चम्मच डाला कि गूंथने पर लगेगा, तो लगभग ये पूरा ही मैदा इसमें चला गया है। तो अगर एक कटोरी सूजी है तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मैदा लिया हुआ है और उसका अच्छे से डो तैयार कर लिया है। थोड़ा सा मैदा हम चौकी पे लगाएंगे, और इसमें से पेड़े लेंगे जितने साइज़ का आप बनाना चाहें। मैं यहाँ पे ऐसे मीडियम साइज़ का ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे ऐसे छोटे साइज़ के पेड़े लिए हुए हैं, इसी का मैं लूची बनाऊंगी। लूची ज़्यादातर ऐसे छोटे ही बनते हैं। अगर आपको बड़े साइज़ में बनाना है तो बड़े साइज़ में बना सकते हैं। थोड़ा सा हाथों पे जो है हल्का सा हम आटा लगाएंगे, और इसको अच्छे से पहले पेड़े तैयार कर लेंगे, और फिर इसको क्या है पूरियों की तरह हमें इसको गोल सा बेल देना है। यहाँ पे बेलने के लिए जो है बहुत हल्के हाथों से जो है बेलन को चलाना है, क्योंकि ये तो इतना सॉफ्ट होता है ये कि टूटने का डर होता है। तो बहुत हल्के से धीरे धीरे चलाएंगे इसको। ऐसे छोटे छोटे ही लूची बनती हैं, तो मैंने इसको भी बना के 2 यहाँ पे रखा हुआ है। ऐसे ही हम और बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने पूरियों को जो है ऐसे बेल दिया है छोटे छोटे। तो अब इसको हम फ्राई करेंगे, और रिफाइंड चढ़ाया हुआ है गर्म होने के लिए। तो अभी यहाँ पे गैस को मीडियम रखेंगे, रिफाइंड जो है अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो एक डालेंगे इसमें पहले, और ये थोड़ा सा टाइम लगता है फूलने में, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसको थोड़ा सा टाइम देंगे, एक तरफ से जैसे ही फूल जाएगा फिर इसको हम पलटेंगे।
एक साइड से जो है ये फूल गया है, अब इसको हम पलट देंगे, दूसरे साइड से ऐसे ही सेक लेंगे। अब यहाँ पे दोनों साइड से अच्छे से फूल गया है पूरी, तो इसको हम अब प्लेट में निकालेंगे। इसका कलर बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, जैसे लूची का जो कलर होता है लाइट ही होता है, तो जैसे ही दोनों साइड से फूल जाए इसको हम तुरंत निकाल लेंगे। गर्मा गर्म लुच्ची बनके तैयार हो गया है। मैं यहाँ पे चटनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। इमली की चटनी मैंने बनाई हुई है, इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। वैसे आलू की सब्जी के साथ भी अच्छा लगेगा, बच्चों को बहुत पसंद आता है ये, बड़े लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं, और नए रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।